नमस्कार दोस्तों, आज जो अपना स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक है वो है दोस्तों, जो प्रमुख योद्धा हैं उनके हाथी व घोड़ों के नाम आज हम पढ़ते हैं। दोस्तों आपके सामने जैसे कि टॉपिक लिख रखा है, प्रमुख योद्धाओं के हाथी व घोड़ों के नाम अक्सर एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के नाम से आपसे एक तराइन का युद्ध याद आता होगा, आपको तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध जो 1191 1192 में होता है, जिसमें पहले युद्ध में 1191 वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं मोहम्मद गोरी के साथ दूसरे युद्ध में। तो दोस्तों वही है ये पृथ्वीराज चौहान, इनके घोड़े का नाम क्या था, नाट्यरंभा। क्या नाम था, नाट्यरंभा, नाट्यरंभा इनके घोड़े का नाम था। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये नाचने वाला घोड़ा था, नाट्यरंभा है, ये डांस करने वाला घोड़ा था। वो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे, अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र थे, दरबारी मित्र थे, वो कौन थे, चंद्र बरदाई थे। और चंद्र बरदाई की एक पुस्तक थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवनी का उल्लेख किया गया था, वो कौन थी, पृथ्वीराज रासो। तो चंद्र बरदाई की जो पुस्तक है कौन सी है, पृथ्वीराज रासो है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का क्या नाम था, इनका पुत्र था जलहण। क्या नाम था उनका, जलहण था, ध्यान रखना जलहण। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र क्या नाम था, जलहण था दोस्तों, ठीक है। यहां से एग्जाम में अक्सर पूछा जाते हैं ये चीज। तो पृथ्वीराज चौहान के विषय में हमने डिस्कस कर ली है, आगे हम चलते हैं। हेमू व अकबर के घोड़े का नाम क्या था। दोस्तों हेमू भी लिख दिया मैंने, अकबर, यहाँ पर आपको एक युद्ध याद आता होगा, पानीपत का दूसरा युद्ध। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। अकबर ने अपना एक सेनापति भेजा था बैरम खां, वो बैरम खां के साथ एक बंदा और था शाहकुली खान, सेना में काफ़ी थे शाहकुली खान। वो शाहकुली खान ने हेमू को पकड़ लिया था और बैरम खां ने इसको मार दिया था। और शाहकुली खान को जो नारनौल की रियासत सौंपी थी, वो किसने सौंपी थी, अकबर ने सौंपी थी। आपके एग्जाम में काफ़ी बार आता है जल महल के विषय में, जल महल कहाँ पे है, नारनौल के अंदर है। और इसका निर्माण किसने कराया था, शाहकुली खान ने कराया था 1591 में। तो दोस्तों ये पानीपत के युद्ध के विषय में है। जो हेमू और अकबर के घोड़े का क्या नाम था, इनके घोड़े का नाम था हवाई। क्या था, हवाई। दोस्तों ये घोड़ा किसका था, हेमू का घोड़ा था। और हेमू की मृत्यु के बाद जो पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीता था, अकबर जीत गया था। और इस युद्ध के बाद ये घोड़ा किसके पास चला गया था, अकबर के पास चला गया था। यहाँ पर ध्यान रखना, पहले घोड़ा किसका था, हेमू। ये वही बंदा है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन है, हेमू है। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पुट होते हैं। वर्तमान में इस वक्त कौन हो गया था इसका, अगर हम बात करें अकबर, क्योंकि उस समय पहले किसका था, हेमू का। हेमू के मरने के बाद किसके पास हो गया, ये अकबर के पास हो गया, ये चीज ध्यान रखना आप। उसके बाद है तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलण। क्या नाम था, लीलण, ध्यान रखना। तेजा जी की जो घोड़ी है इसका क्या नाम था, लीलण नाम था तेजा जी की घोड़ी का नाम। उसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। जो रानी लक्ष्मीबाई है इनके घोड़े का नाम था पवन, पवन व बादल। दो घोड़े थे इनके पास, पवन व बादल। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम की जाए तो कुछ कौन सा है, पवन व बादल है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ही बात करते हैं, महाराज रणजीत सिंह के घोड़े का क्या नाम था। महाराज जो रणजीत सिंह है इनके घोड़े का नाम क्या था। तो इसका घोड़ा का नाम था लैला। क्या नाम था, इसके घोड़े का नाम था लैला। महाराणा जो रणजीत सिंह है ना दोस्तों, इनके घोड़े का नाम था लैला नाम था। इसके विषय में तो आपको पता होगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। ये तो लगभग एग्जाम में दोस्तों आता रहता है आपके एग्जाम में, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। क्या नाम था, चेतक। एक सॉन्ग भी आया था ना, यार तेरा चेतक पर चल है, यार तेरा चेतक पर चल है, तन रस चस्का रेड फरारी का, तन चस्का रेड फरारी का। ये वही चेतक है घोड़ा, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम क्या था, चेतक। दोस्तों आपने हिंदी में पढ़ा होगा चेतक के विषय में, अलंकार पढ़ा होगा आपने अतिशयोक्ति अलंकार, उसमें भी आया होगा राणा ने सोचा। आइए एक मुहावरा था इसमें, आप उदाहरण भी कह सकते हो, आगे नदियां पड़ी अपार,
आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, जब तक राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा था इस पार और तब तक चेतक नदी पार कर गया था। जिसमें झूठी बात हो वो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति। तो इस के विषय में अतिशयोक्ति अलंकार में काफी डिस्कस करते हैं। महाराणा प्रताप के जो घोड़ा है उसका क्या नाम था? चेतक था, ध्यान रखना। उसके बाद है महाराणा प्रताप के जो हाथी है, हाथी का नाम दोस्तों 100% आता है एग्जाम के अंदर। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद था। क्या नाम था? राम प्रसाद। ये चीज ध्यान रखना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम ये मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट, IMP, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे देखना, ठीक है। उसके बाद है शिवाजी के घोड़े का क्या नाम था? जो शिवाजी हैं उनके घोड़े का क्या नाम था? शिवाजी के घोड़े का नाम था कृष्णा। क्या नाम था? कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा। यहाँ पे शिव भगवान है और वहां पर क्या है? कृष्ण भगवान है। तो यहां पर हम घोड़े की बात कर रहे हैं, शिवाजी के घोड़े का क्या नाम था? कृष्णा था, शिवाजी का घोड़ा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है सिकंदर का घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है, सिकंदर का घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों मैंने यहां पर IMP लिख दिया, इंपॉर्टेंट है ये। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? एग्जाम में आता रहता है। क्या नाम था? बऊ केफला। क्या नाम था? बऊ केफला। बऊ केफला, केफला। सिकंदर के घोड़े क्या नाम था? बऊ केफला, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है महात्मा बुद्ध की बात करते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के जो घोड़े का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध का घोड़ा का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक था। तो दोस्तों ये 10 विद्वान बताए हैं जिनके मैंने हाथी घोड़े और घोड़ियों के नाम बताए हैं, यहाँ पर घोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर देखना एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या है? नाट्यरंभा, एग्जाम में आता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का भी नाम क्या है? ध्यान रखना पवन व बादली, ये भी एग्जाम में लगभग आता रहता है। उसके बाद है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? चेतक, एग्जाम में आता है, इसके भी मैंने IMP लगा दिया है। उसके बाद है महाराणा प्रताप का जो हाथी है राम प्रसाद, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। उसके बाद है सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? बऊ केफला। तो दोस्तों ये जो प्रमुख योद्धा थे उनके घोड़ों के नाम हैं, हाथी के नाम हैं आपके सामने हैं, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एग्जाम के लिए बेस्ट है, अपनी कॉपी के अंदर नोट कीजिए आप इनको और अच्छे से याद कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना आप, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को अपना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। आज के लिए सभी को नमस्कार।